हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंच सके, आने वाली पीढ़ी जान सके उन सम्राटों के बारे में, उन राजाओं के बारे में। और हर साल की भांति दो साल से करीब अंतर्राष्ट्रीय पुण्य दिवस हिमालय जी मना रहे हैं। पिछले साल भी मनाया था, लेकिन इतना है इस बात थोड़ी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है तो इसकी ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन अगले साल बहुत बड़ा आयोजन करेंगे इसी पुणे जिले के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पुण्य दिवस पर। यहाँ पर आए हमारे सभी मेहमान अतिथि, उनका दिल से और मेरे सभी भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्हें समाज के लिए थोड़े दो पल, दो मिनट, दो घंटे निकाले हैं। आभारी रहेंगे हम उनके। समाज में लगातार काम करते रहो, क्योंकि हमारे समाज इतने पीछे है, बहुत पीछे है। आप राजस्थान में चल जाओ, हरियाणा चल जाओ, गुजरात चले जाओ, वहां पे समाज हमारी कितनी तरक्की कर रही है। और हमारे पूरा जिले की स्थिति तो इतनी खराब है, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही, पूरे मध्य प्रदेश में अगर पूरे समाज की स्थिति खराब है तो अपने जिले में चुनाव में बड़ा दुख होता है। हर समाज को देखो, हर वर्ग को देखो, कहां पहुंच गया है। लेकिन इसके लिए भी हमारे समाज के जो युवा हैं, शिक्षित युवा हैं, उनको भी याद आना चाहिए। आदरणीय हमारे गुर्जर समाज के जिला अध्यक्ष सीताराम जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ वो मंच पर आए और समाज के बारे में कुछ बोले। आइए अध्यक्ष साहब, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलो जय नारायण भगवान की, बोलो चारो माता की जय। आज अंतरराष्ट्रीय गुर्जर दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत आपका। सभी मेरे भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे बता रहे पत्रकार भाई, मैं तो भैया आपके साथ हूँ, आप जहां भी बुलाओगे मैं तैयार हूँ। और मैंने भी ये सोचा है कि सभी अपन एकत्र होकर अपना संगठन बना के और धर्मशाला अपन बुला, ये मेरी इच्छा है अपने